सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मेरी फेवरेट दाल, जो कि है मूंग की धुली हुई दाल। ये दाल हम पानी वाली नहीं बनाएंगे, यानी पतली नहीं बनाएंगे। ये बिल्कुल खिली खिली और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है और इस दाल को बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है। तो आप देख सकते हैं कुछ सिंपल ही और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इस दाल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मूंग की धुली हुई दाल को। इसको मैंने अच्छे से धोकर और आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। इसके अलावा मैंने लिए 1 छोटे साइज की प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चों को लेके मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा हम नींबू का रस लेंगे। उसके अलावा मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो इस दाल को हम खुले बर्तन में बनाएंगे, यानी पॉट में बनाएंगे, प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी इसको प्रेशर कुकर में बना लें, तो आप 1 सीटी लीजिएगा सिर्फ मीडियम फ्लेम पर और उस गैस को बंद कर दीजिएगा। और उसके बाद जो उसमें स्टीम होगी उसको आप अपने हाथ से खुद ही रिलीज कर दीजिएगा, नेचुरली रिलीज होने का वेट नहीं कीजिएगा। तो पॉट के अंदर मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। आप चाहें तो घी में या देसी घी में भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा देसी घी ऊपर से भी डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा, बड़ी इलायची और काली मिर्च। कुछ सेकंड मैं इनको फ्राई करूंगी। जीरा हमारा पक गया है, अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। दाल बनाने के सबके अपने अपने मेथड होते हैं, अपने अपने रेसिपीज होती हैं। तो एक बार आप लोग ये रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी मदर की रेसिपी है और इस मेथड से दाल बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अब हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। कुछ सेकंड हम फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर अपने सभी सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और ये बारीक कटी हरी मिर्च। साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून पानी ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। तो मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसे भूनेंगे। और अगर पानी की जरूरत पड़ी तो हम 1 टेबलस्पून पानी इसमें और डाल देंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर दाल। दाल का हमने पानी निकाल लिया है। दाल काफी फूल गई है, ज्यादा लगने लगी है, लेकिन ये 1 कप है, मेजरिंग कप से मैंने नाप के ली थी। अब दाल को मैं 1 मिनट मसाले के साथ भून लूंगी। दाल को मैंने मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट भून लिया है, मसाले के साथ अच्छे से ये भून गई है। अब हम इसको गलाने के लिए पानी डालेंगे। दाल में हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। मैंने 3/4 कप पानी डाला है, दाल अच्छे से डूब गई है, इससे ज्यादा भी नहीं डाल रहे। अगर हमारा पानी ड्राई हो गया और दाल में कसर हुई तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर छींटा मार देंगे। इसमें बॉईल आने लगा है, अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट पकने दूंगी। तो दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। इसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश है और इसका पानी ड्राई हो गया है, तो हम इस पर थोड़ा सा छींटा मार देते हैं, बहुत थोड़ा सा।
पास ये मैंने एक टेबलस्पून के करीब डाला है और दो मिनट इसको हम फिर से लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो दाल जब तक पक रही है हमने थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए काट लिया है। इस तरह से हरी मिर्च है, ये अदरक है और ये हरा धनिया है। तो दो मिनट हो चुके हैं, हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और एकदम खिली खिली है। अब हम इसकी गैस को बंद कर देते हैं और इस पे डालते हैं लेमन का जूस। गार्निश करेंगे हम इसको अदरक के साथ जो कि हमने जूलियंस में काटी है, हरी मिर्च और बारीक कटे हरे धनिया के साथ। और हमारी दाल तैयार हो गई है। तो तैयार है हमारी मूंग की खिली खिली दाल। इस दाल को अगर आप चाहें तो सैंडविच में रख के भी दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।